इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट के इंटरनल व्यू की, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा हम ये भी समझेंगे कि ब्लड जो है वो किस तरह से डायरेक्शनल फ्लो पैटर्न को फॉलो करता है, वो कैसे हमारी बॉडी से हार्ट में आता है और फिर हार्ट से निकलकर लंग्स में और लंग्स से होकर फिर से हार्ट में वापस एंड देन हार्ट से होकर फिर से हमारी पूरी बॉडी में किस तरह से ट्रैवल करता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर समझने वाली ये है कि आपको इस हार्ट के डायग्राम में जितनी भी ब्लू कलर के पोर्शंस दिखाए जा रहे हैं वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड को कैरी कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, और जितना पोर्शन आप रेड पार्ट से देख रहे हो दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीजन रिच ब्लड, राइट। तो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट सबसे पहले प्राइमरली दो रीजन्स में डिवाइडेड होता है। ये जो आप ब्लैक कलर की लाइन यहाँ पर इस तरह से देख रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द सेप्टम। ठीक है, तो वो सेप्टम जो दोनों ऑरिकल्स के बीच पाई जाएगी विल बी कॉल्ड एज इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो ये जो सेप्टल पार्ट दोनों ऑरिकल्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। उसके बाद आपकी दूसरी आती है, दैट इज़ कॉल्ड एज जो नीचे की तरफ है, जो कि दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। कोई ऐसी सेप्टम, सेप्टम मतलब एक ऐसी लेयर जो किसी भी दो रीजन्स को आपस में डिवाइड करे, डिफ्रेंशिएट करे। ठीक है, तो ऑरिकल्स को डिवाइड करने वाली विल बी कॉल्ड एज इंटर ऑरिकुलर और वेंट्रिकल्स को डिवाइड करने वाली विल बी कॉल्ड एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाउ नेक्स्ट, सेप्टम के प्रेजेंस की वजह से हमारा जो हार्ट है वो बेसिकली चार तरह के चेम्बर्स में डिवाइडेड होता है। अपर वन चेम्बर जो आप यहाँ पर देख रहे हो राइट साइड पे, इट इज़ कॉल्ड एज द राइट ऑरिकल, राइट। जो लेफ्ट साइड पे होगा ऊपर का चेम्बर, दैट विल बी कॉल्ड एज लेफ्ट ऑरिकल। नीचे की तरफ का जो राइट चेम्बर है दैट इज़ कॉल्ड एज लेफ्ट वेंट्रिकल, और इधर लेफ्ट साइड पे जो चेम्बर है दैट इज़ कॉल्ड एज द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो इस तरह से हमें चार चेम्बर्स मिल गए, टू ऑरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स, राइट। अब हम बात करेंगे कि ब्लड किस तरह से किस किस डायरेक्शन में फ़्लो करके हमारे हार्ट की तरफ से मूव करता है। सबसे पहले हमारी बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड होगा वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड कंडक्ट होकर सबसे पहले आता है किस में, राइट ऑरिकल में। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जितना भी ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड होगा, राइट, जितना भी ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड है उसे वेन्स कैरी करती हैं और सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू। ठीक है, ये जो दो ब्लड वेसल्स आप देख रहे हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा, इन दोनों के थ्रू ये जो ब्लड है ये आकर के गिरता है किस में, राइट ऑरिकल में। ये आप जो फर्स्ट चेम्बर देख रहे हैं, जैसे ही ये राइट ऑरिकल में आता है वैसे ही ये फ्लैप यहाँ से खुल जाता है। ये जो पहला फ्लैप आप देख रहे हैं इसको वैल्व कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्राइकस्पिड वैल्व। ठीक है, इसमें तीन फ्लैप्स होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड। तो ब्लड जैसे ही राइट ऑरिकल में आएगा ये फ्लैप खुलेगा और ब्लड कहाँ जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में। अब इसके बाद में ये जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है उसके बाद ये कहाँ जाता है, एरो से आप समझ सकते हैं। ये जो आप नेक्स्ट जो वाल्व यहाँ पर देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वाल्व। वो वाल्व जो लंग्स की तरफ ब्लड को ले जाए, कहीं पर भी पल्मोनरी वर्ड आएगा दैट मीन्स कि लंग्स की बात हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाल्व जो खुलता है जो ब्लड को लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से कैरी करके ले जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वाल्व। ये खुलेगा और ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड इससे कंडक्ट होकर कहाँ जाएगा, लेफ्ट और राइट लंग में, दोनों साइड पे, इन दोनों ब्लड वेसल्स की हेल्प से। अब जितना भी ब्लड लंग्स के पास पहुंचा उसमें ऑक्सीजन आ चुकी है, वो ब्लड ऑक्सीजन से मिक्स हो गया है, हेमोग्लोबिन से रिएक्ट कर गया है। अब जरूरी है कि वो ब्लड फिर से वापस आए। वो ब्लड कैसे और कहाँ वापस आएगा, दैट ब्लड विल अल्टीमेटली फॉल इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, ये जो आप नेक्स्ट चेंबर देख रहे हैं। और वो कहाँ से आता है, इट कम्स थ्रू द लेफ्ट पल्मोनरी वेन एंड द राइट पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो की है, जो कि लंग्स में प्रेजेंट है, वो अब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड प्रेजेंट है, दोनों पीछे से आपस में कनेक्टेड होती हैं, वहाँ से ब्लड कंडक्ट होकर कहाँ पे आता है, लेफ्ट लंग की तरफ आता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये फ्लैप खुलेगा, ये आपका नेक्स्ट वाल्व है, इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ये बाइकस्पिड वाल्व इसलिए कहलाता है बिकॉज इसमें दो फ्लैप्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये अल्टीमेटली खुलेगा, ब्लड जो है वो कहाँ पर आकर के गिरेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो आपका फोर्थ चेंबर है। यहाँ पे ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल काफ़ी थिक होती है, ये रीज़न मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। देन जो ब्लड है वो फिर से जाएगा किसमें, एक और वाल्व में, दैट विल बी कॉल्ड एज सेमी ल्यूनर एओर्टिक वाल्व। ये वाल्व खुलेगा एंड अल्टीमेटली जो ब्लड है वो एओर्टा के थ्रू होते हुए हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, सो दिस वाज द होल सर्कुलेशन पैटर्न कि किस तरह से ब्लड हमारे हार्ट में मूव करता है।
बॉडी हार्ट और लंग्स में कैसे कोऑर्डिनेट करके ब्लड का मूवमेंट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेप्टम पाई जाएगी, नंबर टू फोर चेंबर्स आर प्रेजेंट, नंबर थ्री प्राइमरली फोर वाल्व्स आर फाउंड, जो कि वाल्व्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। वाल्व्स हमेशा सिंगल डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को प्रमोट करती है, रिवर्स डायरेक्शन में ब्लड कभी भी मूव नहीं करता। जैसे ही ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है, फ्लैप खुलेगा, ब्लड इधर आया और ये वाल्व बंद हो जाएगी ताकि ब्लड वापस इस डायरेक्शन में ना जा पाए, ठीक है। यही वाल्व्स का काम होता है, चाहे वो कोई भी हो। सो बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ वाल्व्स आर फाउंड, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी वाल्व एंड एओर्टिक वाल्व, ठीक है। उसके बाद दो मेन ब्लड वेसल्स और आती हैं, एक आपकी हो गई ये पल्मोनरी आर्टरी, ये आपकी हो गई पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड एंड पल्मोनरी वेन्स ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, रेड कलर से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। देन सबसे इंपॉर्टेंट हो गई लास्ट में, दैट इज एओर्टा। एओर्टा इज द मेन ब्लड वेसल जो कि ब्लड को आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में कन्वे करती है। सो दिस वॉज द बेसिक पैसेज ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड अवर हार्ट।